नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। हरियाणा के जींद में हजारों महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। एक तरफ हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार पर सवाल और कई सवाल निशान खड़े हो गए कि जब महिलाओं के लिए बाजार में शौचालय तक नहीं है तो ऐसे में कैसे ही बेटियां आगे बढ़ेंगी। जींद के मेन बाजार की गांधी गली में शौचालय नहीं बनाया गया है, जिसके कारण महिलाओं को खुले में ही शौच करना पड़ता है, जो वाकई एक बड़ी समस्या है। गांधी गली से हजारों महिलाएं गुजरती हैं और इस पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु भी कई सवाल उठकर खड़े होते हैं। यहाँ पे लेडीज के लिए टॉयलेट की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है। हर लेडीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। हर कोई बोलता है कि यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत दूर जाना पड़ता है कभी स्कूल में, स्कूल वाले भी 1 बजे तक स्कूल भी ऑफ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लेडीज़ के लिए। जेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो कोई, बट लेडीज़ के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत आती हैं, लगभग 10-15 लेडीज़ तो मुझसे पूछती हैं कि मैम आप बता दो यहाँ पे कोई टॉयलेट या बाथरूम की कोई फैसिलिटी है तो नहीं। तो हमारे लिए तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पे। 3 साल से तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर नहीं है, उससे पहले का तो यहाँ लोग ज़्यादा बता। पहले टॉयलेट हमारे नगर परिषद द्वारा बनाए गए हैं, उनके मेंटेनेंस का टेंडर हमने कल वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ जूते होंगी, अभी हमारे नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं और हमारी जो चेयरमैन महोदया बनी हैं प्रधान, वो जल्दी ही कार्यभार संभालेंगे। उनके जहाँ जहाँ आवश्यकता जिन जिन वार्डों में जहाँ जहाँ जिस स्थानों पर होगी, चाहे जमीन मुहैया होती है वहाँ पर, तो नए शौचालय का निर्माण कर दिया जाएगा। पहले प्रस्ताव आएगा, लोगों की डिमांड आएगी पार्षद के माध्यम से, वो प्रस्ताव पास होकर मान्य DMC साहब के पास जाएगा, स्वीकृति मिलने के बाद तो टेंडर प्रक्रिया करके जारी कर दिया जाएगा।